أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم MCL second semester आपको computer communication and networks के lecture number 8 में खुश आमदीद। last lecture में हमने transmission media का chapter start किया था और उसमें हमने transmission media को बड़ी transmission media के अंदर जो guided media था उसको बड़ी detail में देखा था और मैंने आपको उसमें केबल्स दिखाई थी और कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस दिखाई थी और फाइबर ऑप्टिक केबल भी मैंने आपको दिखाई थी, ट्विस्टर पेयर केबल भी दिखाई थी। अब हम चलते हैं गाइडेड मीडिया के साथ जो सेकंड टाइप होती है ट्रांसमिशन मीडियम की, और वो होती है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया मीन के जिसमें वायर इस्तेमाल नहीं होती। अगर अनगाइडेड मीडियम ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर। अब अनगाइडेड में क्या होता है कि बगैर किसी फिजिकल कंडक्टर के जो वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑफन रेफर्ड एज अ वायरलेस कम्युनिकेशन, इसको कहा जाता है। और सिग्नल्स आर नॉर्मली ब्रॉडकास्ट थ्रू फ्री स्पेस, और जो स्पेस है उसमें एयर जिसे हम कहते हैं उसमें सिग्नल्स हमारा ट्रेवल करता है। अगर ये जो शो द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर हम देखें और उसमें रेंज देखें तो वायरलेस कम्युनिकेशन के हवाले से, तो इसमें हम देखते हैं तीन तरह की, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और लाइट वेव। अब रेडियो वेव और माइक्रोवेव ये अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इनके लिए जो फ्रीक्वेंसीज है वो 3 kHz से लेकर 300 GHz तक जो रेंज है वो इन दो के लिए इस्तेमाल की जाती है, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। उसके बाद इंफ्रारेड के लिए 300 से लेकर 400 THz तक, और फिर लाइट वेव जो होती है वो 900 THz तक होती है। अच्छा, जो अनगाइडेड सिग्नल्स जो ट्रेवल करते हैं, ठीक है, एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक, ये इनको बुनियादी तौर पर जो है मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन एक जो इसमें जो मशहूर तीन है वो ये है, ग्राउंड प्रोपगेशन होती है, फिर उसके बाद स्काई प्रोपगेशन है, और लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन होती है। तो ये तीन तरह की इस पर प्रोपगेशन होती है। डायग्रामेटिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो ग्राउंड में क्या हो रहा है कि जो हमारे मोबाइल फोन पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, वो एक टावर लगा और उसे वो उसी ग्राउंड के ऊपर आ रहे हैं। तो स्काई प्रोपगेशन में जो हम सुनते हैं जी सैटेलाइट से कनेक्ट है नीचे ग्राउंड से एक डिश ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो इसे हम स्काई प्रोपगेशन कहते हैं। और लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन में क्या होगा कि दो डिशेज डायरेक्टली आपस में कनेक्ट होते हैं। अगर इसे देखें तो इन ग्राउंड प्रोपगेशन क्या होगा, रेडियो वेव्स ट्रेवल थ्रू द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द एटमोसफेयर, जो बिल्कुल नीचे का लेवल होता है, हगिंग द अर्थ के साथ जो टच हो रहा होता है, और इसमें जो है वो बहुत लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अगर आपने यहाँ पे देखा हो रेंज तो ये 3 kHz से स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ग्राउंड प्रोपगेशन में 2 MHz तक से नीचे नीचे ये चीज रहती है। अच्छा, दीज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स एमिनेट इन ऑल डायरेक्शंस। अच्छा, ये इमिट तमाम डायरेक्शंस में होती है, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होती बल्कि हर डायरेक्शन में ये जा रही होती है, और इसका जो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ पावर इन द सिग्नल्स। अब जितनी पावर सिग्नल में होगी उस हिसाब से इसका डिस्टेंस होगा, 3 मीटर है, 10 मीटर है, 25 मीटर है, तो वो डिपेंड करता है कि उसमें पावर कितनी है। पावर अगर हम बढ़ाएंगे तो जो है उसका डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा। अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, DSL वगैरह, इसका तजर्बा है आपको, आप वो देखते हैं कि वो उसकी रेंज जो है वो घर से जो ही आप बाहर निकलते हैं कुछ हद तक जाते हैं तो वहां पर उसकी वो रेंज खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स जो मोबाइल फोन है आपका, तो वो टावर उसकी जो टावर की रेंज है वो काफी ज्यादा होती है, तो वो पावर उसका काफी मतलब जो सिग्नल होता है उसमें पावर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो आपका वाईफाई घर में लगा हुआ है। जो दूसरी टाइप है इसकी स्काई, इन स्काई प्रोपगेशन हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स रेडिएट अपवर्ड इनटू द आयनोस्फीयर। अब क्या होता है कि ये जमीन से ऊपर की तरफ जो है जाती है, और ये रेडियो वेव्स जो होती हैं
ये ज्यादा पावरफुल होती हैं और इनकी डिस्टेंस भी ज्यादा होता है। अच्छा, दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन अलाउज द ग्रेटर डिस्टेंस विद लो पावर आउटपुट। अच्छा, पावर के साथ जो है विद लो पावर आउटपुट, ये जो टाइप है इसमें क्या है, फ्रिक्वेंसी की जो रेंज है वो जरा ज्यादा हो जाती है, तो से 30 MHz तक, तो ज्यादा दूर तक ये जो है जाती है। इन लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन में क्या होता है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली फ्रॉम एंटीना टू एंटीना। अब इंफ्रारेड जो इसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं, इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट, जैसे आपने टीवी का रिमोट देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि अगर रिमोट के आगे आप कोई हाथ वगैरह या कोई उसमें बैरियर डाल दें तो वो रिमोट आपका उस तरह से फंक्शन नहीं कर रहा था, क्यों कि वो लाइन ऑफ साइट के मुताबिक चल रहा था। एंटीना मस्ट बी डायरेक्शनल फेसिंग ईच अदर। अब इसमें क्या होगा कि एंटीना जो है ना, उन दोनों की जो है वो फेस एक दूसरे की तरफ हो और बीच में कोई हर्डल ना हो, ठीक है, और इधर टॉल इन। अब इसी वजह से अगर आप ये देखते हैं कि ये जो जितने भी ये टॉवर लगे होते हैं इनकी में ऊंचा इसीलिए किया गया होता है कि उनके दरमियान हर्डल ना हो। और माइक्रो के अंदर क्या क्या था बताता हूँ। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन इज ट्रिकी बिकॉज रेडियो ट्रांसमिशन कैन नॉट बी कम्प्लीटली फोकस, तो ये जरा ट्रिकी काम होता है, इसको सेट करना एक मुश्किल काम होता है। अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाता हूँ कि कैसे इसको जो रिगर होते हैं इसको वो लगा रहे होते हैं और सेट कर रहे होते हैं। द सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिफाइन एज अ रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव इज डिवाइडेड इनटू 8 रेंजेस कॉल्ड बैंड्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बन रहा है, ये फ्रिक्वेंसीज को जो है ना ये डिवाइड किया गया है 8 रेंजेस के अंदर, जिसको बैंड कहा जाता है। और ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं जो इनको हैंडल कर रही होती हैं, उसके बगैर आप जो है ना ये फ्रिक्वेंसी अपनी मर्जी से जो है ना लॉन्च नहीं कर सकते, बल्कि ये अंडर द गवर्नमेंट अथॉरिटीज ये मैनेज होती हैं। और उसमें दीज बैंड्स आर रेटेड फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसीज टू एक्सट्रीमली हाई, वीएचएफ से लेकर वीएलएफ से लेकर वेरी लो फ्रीक्वेंसी से लेकर ईएचएफ तक की चलती हैं। और ये देखिए जरा स्टेबल में ये जो बैंड्स हैं इस पे 8 बैंड इसमें दिखाए गए हैं जिसका जिक्र किया गया है। सबसे पहले वीएलएफ है, इस बैंड के अंदर जो रेंज है वो 30 से 30 kHz तक जो है वो इसकी रेंज है, जो फ्रीक्वेंसी का जो ये लेवल होगा वो वीएलएफ में कंसीडर होगी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी में, और 3 से 30 kHz तक इसकी रेंज है। और इसकी प्रोपगेशन ग्राउंड है, एप्लीकेशन लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन में इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह जो लो फ्रीक्वेंसी ये 30 से 30 kHz तक है, ये भी ग्राउंड के लिए रेडियो बीम बीकॉन्स एंड नेविगेशनल लोकेटर्स ये वहां पे इस्तेमाल हो रही है। और उसके बाद MF यानी कि मिडिल फ्रीक्वेंसी, इसकी रेंज ये स्काई प्रोपेगेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है। और HF हाई फ्रीक्वेंसी, फिर VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30 से 300, ये भी स्काई एंड लाइन ऑफ साइट। फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF जैसे कहते हैं, और ये 30 MHz से 3 GHz तक, और ये भी लाइन ऑफ साइट है जो UHF है। फिर है जी सुपर हाई फ्रीक्वेंसी SF, और ये 3 से 30 GHz तक है। एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी ये 30 से 300 GHz तक, और ये भी लाइन ऑफ साइट है। अब यहाँ पर देखिए जो सैटेलाइट्स वगैरह के लिए जिनके साथ कम्युनिकेशन की जा रही है वो आपकी लाइन ऑफ साइट UHF से स्टार्ट हो रही है। और फिर रेडार वगैरह में जो इस्तेमाल हुए 30 से 300 GHz तक जो है वो EHF ये रेडार वगैरह में फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रही है। अब अगर हम देखें कि वायरलेस कम्युनिकेशन जितनी भी हो रही है ट्रांसमिशन, जैसे हमने गाइडेड में पढ़ा था और उसमें 3 तरह के हमने केबल्स देखी थी, अब इसमें भी अगर आप डिवाइड करें तो ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं या इसको हम वायरलेस ट्रांसमिशन को, तो इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है जी रेडियो वेव, एक होती है माइक्रोवेव, और एक होती है इंफ्रारेड। अब रेडियो वेव से क्या मुराद है, देयर इज अ नो क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। इनको इकट्ठा भी देखा जाता है, जो कि ये इकट्ठे टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जो इस वक्त अब सेलुलर में जो यूज हो रहा है, जो मोबाइल वगैरह में जो यूज हो रहे हैं, तो 2 टावर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए
हम माइक्रोवेव यूज कर रहे होते हैं, और जो आपकी दूसरी है जो हमें मोबाइल पे जो सिग्नल आ रहे हैं ये रेडियो वेव इस्तेमाल हो रही होती है। तो इसलिए वो यहाँ पे के कोई वाजह तौर पर डिमार्केशन इसमें नहीं है। और ये जैसे भी हमने ये पीछे रैंक करी थी इनकी कि ये देखिए रेडियो और माइक्रोवेव, तो ये 3 से लेकर 300 GHz तक ये इस्तेमाल होती है। तो ये इकट्ठी ही इसको समझा जाता है, लेकिन इनकी रेंज कुछ इस तरह से है। अब रेडियो वेव की अगर हम बात करें तो इसमें जो फर्क है वो ये क्या है कि रेंजिंग फ्रिक्वेंसी 3 kHz से लेकर 1 GHz आर नॉर्मली कॉल्ड रेडियो वेव्स। वेव्स रेंजिंग फ्रिक्वेंसी बिटवीन 1 to 300 GHz कॉल्ड माइक्रोवेव्स। अब 1 से लेकर 300 GHz तक जो है वो उनको माइक्रोवेव, और जो 3 kHz से लेकर 1 GHz तक जो है ये रेडियो वेव कहलाती है। हाउ द बिहेवियर वेव्स रादर देन द फ्रीक्वेंसीज इज अ बेटर बेटर अच्छा जी हाउ इज द बिहेवियर ऑफ द वेव्स रादर देन द फ्रीक्वेंसीज अ बेटर क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, अगर इसका बिहेवियर हम देखें फ्रीक्वेंसी का, उससे फिर हमें इसको हम इसका क्राइटेरिया है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। रेडियो वेव्स फॉर द जी रेडियो वेव्स ज्यादा जो इसका पार्ट है वो क्या है, ये ओमनी डायरेक्शनल होता है। इसका जो एंटीना ट्रांसमिट रेडियो वेव्स प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में इसकी जो वेव्स हैं वो जाती हैं, क्योंकि यूनि डायरेक्शन नहीं होता। दिस मीन्स दैट दिस सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज डू नॉट हैव टू बी अलाइंड। अब उसमें क्या होगा कि आपको सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना को किसी खास लाइन में नहीं रखना पड़ता, उनको अलाइन नहीं करना पड़ता, मिलाना नहीं पड़ता, एक ही डायरेक्शन में नहीं रखना पड़ता, बल्कि जो सेंडिंग एंटीना सेंड्स वेव्स दैट कैन बी ट्रांसमिट बाय द रिसीविंग एंटीना। वो रिसीवर एंटीना कहीं पर भी पड़ा हुआ है, बेशक बिहाइंड द वॉल है, कहीं पर भी है, तो वो उस डिपेंड करता है उसकी पावर पर, तो वो उसको रिसीव कर लेगा। द ओमनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हैज डिसएडवांटेज टू द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय वन एंटीना एक्सेसिबल टू इंटरफेरेंस बाय अनदर एंटीना। अच्छा, अब होता क्या है कि इसमें एक जो इसका डिसएडवांटेजेस है कि इसका अगर दो एंटीना एक ही रेंज में आ जाएं तो फिर उसमें इंटरफेरेंस आ जाती है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो रेडियो वेव्स पर्टिकुलरली दोज वेव्स दैट प्रोपोगेट इन द स्काई मोड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, दिस मेक्स रेडियो वेव्स अ गुड कैंडिडेट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ब्रॉडकास्ट इन सच एज एएम रेडियो। तो ये जो रेडियो वेव्स हैं एक अच्छी ऑप्शन है अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर कम्युनिकेशन हो रही है दो डिवाइसेस के दरमियान। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। अच्छा, अगर आप मैं अब इसका बताऊं आपको एक चीज कि ये जो हम देख रहे होते हैं ना इसके ओमनी डायरेक्शनल एंटीना का जैसे दिखा रहे हैं कि दैट सेंड्स आउट सिग्नल्स इन ऑल डायरेक्शन बेस्ड ऑन द वेवलेंथ स्ट्रेंथ एंड द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन, तो इन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन ये ऑल डायरेक्शन में इस सिग्नल जाएगा। और इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और मेरी जो आवाज है वो हर डायरेक्शन में जा रही है, सेंडर हो और रिसीविंग साइड पे क्या होगा कि सिर्फ सुनने के लिए जो एंटीना चाहिए जो कान है वो रिसीविंग साइड में जिस चीज की वो कैपेसिटी होगी वो उसको सुन लेगा और समझ लेगा। अच्छा, उसके बाद इसको मैं आपको दिखा दूं कि ये अगर हम जो आजकल आप टावर्स देख रहे होते हैं, ठीक है, उसमें ये जो इस तरह की चीज लगी होती है ये माइक्रोवेव एंटीना होते हैं गोल। ठीक है, और अगर आप ये देखें तो ये खास डायरेक्शन की तरफ होते हैं। इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर ये जो टावर एक लगा हुआ है और ये इस डायरेक्शन पे लगे हुए हैं माइक्रोवेव एंटीना जो होता है डिश होती है बड़ी सी, तो ये दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसके बराबर कोई होगा, लेकिन इसके बरक्स ये जो होते हैं ये हमारे रेडियो एंटीना होते हैं। ठीक है, जिससे हमारे मोबाइल पे सिग्नल आ रहा होता है जो इस तरह से लंबे होते हैं, तो ये हर तरफ इनकी जो है वो ट्रांसमिशन जा रही होती है, लेकिन ये एक खास डायरेक्शन। अब ये अगर टावर यहाँ से इस तरह लगा हुआ है तो इट मीन्स कि इसी के बराबर कहीं दूर दूसरा टावर भी लगा होगा
जिससे ये डिश डायरेक्ट उसकी तरफ इसका फेस होगा, इनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही होगी। ये होती है माइक्रोवेव। ये जो गोल डिश है भी आपको दिखाई गई, ये माइक्रोवेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन 1 and 300 गीगाहर्ट्ज आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स। ये जो फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक ये माइक्रोवेव में आती है। ये यूनि डायरेक्शनल होती है, वो ओमनी डायरेक्शनल थी। यूनि डायरेक्शनल मीन कि ये इसका जो है जो सिग्नल फ्लो कर रहा होता है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। मसलन अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अब ये अगर आपने यहाँ पर लगाया हुआ ना, तो ये दूसरी साइड पर भी इसी के बराबर कहीं दूर टावर लगा होगा। वो हो सकता है मोर देन 10 किलोमीटर हो या दूर हो। अगर आप कोटली की बात करें, तो जब आप इन होते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, कॉलोनी में अगर आप देखें, अगर आप उससे वाकिफ हैं, कोटली के रहने वाले हैं, कोटली अगर थोड़ा बहुत आप जानते हैं, तो इधर आप ऊपर टावर लगे हुए, और वो कोटली जो एक्सचेंज है उसके साथ जो है ना, वो उनका फेस डायरेक्ट है। काफी हाइट पे लगे होते हैं, ऊंचे होते हैं, वो 80 मीटर तक होता है, 70 मीटर का टावर होता है। अब ये देखिए ये लोग, और ये काफी नीचे से हमें बहुत छोटी नजर आ रही होती है, लेकिन ये काफी बड़ी डिश होती है। इसका डायमीटर मेरे ख्याल से 1 से 2 मीटर तक होता है। तो ये देखिए, ये इसको लगा रहे हैं, इनको रिगर कहा जाता है, जो इनको इंस्टॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, व्हेन एंटीना ट्रांसमिट माइक्रोवेव दे कैन बी नैरोली फोकस्ड, ठीक है, बहुत यानी कि फोकस किया जाता है डायरेक्ट। साथ इनकी वो डिवाइसेस लगाई जाती है जहां से इनको सिग्नल मेजर किया जाता है कि ठीक है मिल रहा है पूरा या नहीं। दिस मींस दैट सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास नीड टू बी अलाइंड। तो ये फोकस्ड होता है, बहुत नैरो करके होता है, और इसके लिए जरूरी है कि दोनों जो है वो जो दोनों साइड्स हैं वो इन डिशेस की या इन एंटेनास की, वो एक दूसरे की तरफ उनका बिल्कुल फेस हो और वो बिल्कुल अलाइन हो। यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी हैज एन ऑब्वियस एडवांटेज। अ पेयर ऑफ एंटेनास कैन बी अलाइन विदाउट इंटरफेयरिंग विद अनदर पेयर ऑफ अलाइन एंटेना। तो अब इसमें क्या है कि ये डायरेक्ट मतलब इसमें जिसका एक एडवांटेज बता रहा है कि पेयर ऑफ एंटीनास कैन बी अलाइन विदाउट इंटरफेयरिंग विद अनदर पेयर ऑफ अलाइन एंटीना। अगर एक साइड पे भी दो एंटीना कर रहे हैं और उसी में से दूसरी साइड पे लगे हो, तो वो आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये इसका एक एडवांटेज होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर एक ही रेंज के अंदर दो एंटीना ओमनी डायरेक्शनल के आ रहे थे, तो वो क्या था कि वो आपस में इंटरफेरेंस करते थे। इसकी सम करेक्टरिस्टिक्स आ गई है जी, वो क्या है जी, माइक्रोवेव प्रोपेगेशन इज लाइन ऑफ साइट होती है। सिंस टावर्स विद माउंटेन एंटीनास नीड टू बी डायरेक्ट साइट ऑफ ईच अदर। सेकंड क्या जी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स कैन नॉट पेंट्रेट वॉल्स। दिस करेक्टरिस्टिक्स कैन बी अ डिसएडवांटेज। अब क्या होता है कि इसमें जो इसका एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर इनके दरमियान कोई वॉल आ गई या कोई दरख्त आ गया या कोई इस तरह की फिजिकल हर्डल आ गई, तो ये उसमें से पेंट्रेट नहीं होता, ये गुजर नहीं सकता, तो वहां पर ये रुक जाएगा। तो द माइक्रोवेव बैंड इज रिलेटिवली वाइड, ऑलमोस्ट 299 गीगाहर्ट्ज़ देयर फॉर वाइडर सब बैंड्स कैन बी असाइंड इन हाई डेटा रेट इज पॉसिबल। यूज अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द बैंड्स रिक्वायर्स परमिशन फॉर अथॉरिटीज, ठीक है जी, अथॉरिटी से आपको परमिशन चाहिए होती है, तब जाके आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। अब उसमें कुछ एंटीना की जो फॉर्म है या उसकी कुछ शक्ल, वो कुछ इस तरह से बन रही होती है कि एक अगर आप देखें, जैसे भी आपको मैंने ये गोल डिश दिखाई, पैराबोलिक डिश एंटीना इसे कहा जाता है, इस तरह से होती है जो भी आपको मैंने पिक्चर दिखाई। और एक है हॉर्न एंटीना, तो ये इसका पीछे गाइडेड होता है, जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पर दिखाई, ये देख रहे हैं इसके पीछे केबल आएगी ये वाली, और ये जाके नीचे सिस्टम के साथ कनेक्ट होती है। और दूसरी तरफ जो हॉर्न एंटीना यहाँ पे डिस्कस किया गया, इसका भी यहाँ से ये वेव गाइड आ रही होती है। द पैराबोलिक डिश एंटीना इज बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ पैराबोला। एवरी लाइन पैरेलल टू द लाइन ऑफ सिमेट्री लाइन ऑफ साइट से रिफ्लेक्ट्स ऑफ द कर्व at angle such that all the lines intersect in a common point called the focus. Ab ye tamam lines is focus pe aayengi jahan se ja raha hota hai. The horn antenna looks like a gigantic scope ki tarah hota hai. Outgoing transmission or broadcast upper stem and deflected outwards in a series of narrow parallel beam.
ठीक है, और इसमें ये जहाँ से आ रही है वो ये सारा कनेक्ट होकर इस एक नैरो बीम से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। अच्छा जी भाई, यूनिट रिएक्शन आर वेरी यूजफुल विद द यूनिक कॉस्ट, यहाँ पर वो वहां पर ये इस्तेमाल हो रही होती है। इसमें इंफ्रारेड जो उसकी तीसरी टाइप है वो देख लेते हैं। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं फ्रीक्वेंसीज 300 GHz से लेकर 400 THz तक होती हैं, और वेवलेंथ इसकी है 1 mm से लेकर 770 nm तक। तो ये इंफ्रारेड, याद रखिए, बड़ी शॉर्ट रेंज होती है, इसकी रेंज इतनी ज्यादा नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है लेकिन इसकी रेंज कम होती है, ये इतनी दूर तक नहीं जाता। इंफ्रारेड वेव्स हैविंग हाई फ्रीक्वेंसीज कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स, वॉल्स में से ये नहीं गुजर सकती, जिस तरह के हमारे पास रेडियो वेव्स थी वो वॉल्स में से ही गुजर जाती थी, उनमें कोई हर्डल नहीं आता था। और इसका जो एडवांटेज है उस पे जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि शॉर्ट रेंज होने के साथ इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस से मुराद क्या है कि अगर आप अपने घर में बैठे हुए या एक कमरे में आपके पास टीवी है और रिमोट से आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो अब उसमें जो यूज हो रही है वो इंफ्रारेड यूज हो रहे हैं। तो अब दूसरे कमरे में भी एक बंदा टीवी यूज कर रहा है और उसकी जो इंफ्रारेड है वो इसके साथ कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, वो भी यूज कर रहा है और इधर ये भी यूज कर रहा है अपने अपने कमरों में बैठे हुए, तो वो उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन अगर इसी तरह अब दो वाईफाई लगा दें एक ही जगह पर एक ही कमरे में, तो उसमें इंटरफेरेंस कुछ ना कुछ आ जाती है, जबकि इंफ्रारेड में ये चीज नहीं होगी। मजीद ये कि वी कैन नॉट यूज इंफ्रारेड वेव्स आउटसाइड बिल्डिंग बिकॉज द सन्स रेज कंटेन इंफ्रारेड वेव्स दैट कैन इंटरफेयर विद द कम्युनिकेशन। अच्छा जी, ये जो सन रेज होती हैं ये इंफ्रारेड में की जो कम्युनिकेशन है उसमें इंटरफेयर करती हैं, जो सन रेज हैं सूरज की जो शुआएं हैं वो इस पे असरअंदाज होती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं। एप्लीकेशंस में देखिए, काफी स्मॉल इज इंफ्रारेड बैंड ऑलमोस्ट 400 THz हैज एन एक्सीलेंट पोटेंशियल फॉर डेटा ट्रांसमिशन, सच अ वाइड बैंड विद कैन बी यूज्ड टू ट्रांसमिट डिजिटल डेटा विद अ वेरी हाई डेटा रेट। ठीक है, इंफ्रारेड और उसके लिए शॉर्टकट IRDA लिखते हैं इस तरह से, द इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन, एन एसोसिएशन फॉर स्पॉन्सरिंग द यूज ऑफ इंफ्रारेड वेव हैज एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर यूजिंग द सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस कीबोर्ड माउस। अच्छा, जो ये जो अक्सर हम कीबोर्ड या माउस यूज करते हैं जहाँ पे हमें काफी हाई कम्युनिकेशन चाहिए होती है और उनके दरमियान कोई मतलब हर्डल भी ना हो, तो वहां पर अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसका आउटपुट अच्छा होता है, चूंकि फौरी तौर पर हम बड़ी हाई स्पीड से ये जा रही होती है, फ्रिक्वेंसी काफी इसकी हाई होती है, तो वहां पर ये इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, ये था हमारा ट्रांसमिशन प्रोपोर्शन, जिसमें हमने अगर ओवरऑल आप इस चैप्टर में देखें तो हमने ट्रांसमिशन दो तरह की पढ़ी और उसको हमने काफी कोशिश की कि अच्छी तरह समझ सकें। उसपे केबल्स के साथ कैसे ट्रांसमिशन होती है और विदाउट केबल कैसे ट्रांसमिशन हो रही है, जिसे हम वायरलेस या अनगाइडेड कहते हैं। तो इससे पहले कि हम मजीद आगे चलें, मैं इसको देख लेता हूँ कि नेक्स्ट हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, ताकि आपको भी एक अंदाजा हो जाए। मैं आ जाता हूँ जी, जो हमारी हैंडबुक थी इसमें। कि अभी तक हमने जो चीजें कवर की हैं इसमें, इंट्रोडक्शन किया फिजिकल डिजिटल ट्रांसमिशन, इंट्रोडक्शन फिजिकल लेयर, ठीक है, फिर हम ट्रांसमिशन मीडिया में चले गए थे, फिर
अच्छा, इससे पहले कि हम बुक में मजीद हम आगे चलें, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल इसमें करवाना चाहूँगा। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं जिस इसको पैकेट ट्रेसर, जिसमें आप काफ़ी सारा काम कर सकते हैं। मैं भी आपको कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल करना। मैं गूगल ओपन करता हूँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो देखिए, डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर 7.3 है इस वक्त जो इसका लेटेस्ट वर्जन है, वो ये चल रहा है इसमें। और जो ओल्ड वर्जन है 6 पॉइंट कुछ, उसमें थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में फर्क है। वो इंस्टॉलेशन सिंपल है और इसमें जो है आपको लॉगिन करना पड़ता है, आपके पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी, ये देखिएगा। लेकिन ये क्या है कि ये 60, मैं इसको पास कर तो चूंकि मैंने किया हुआ है, तो अगर मैं आपको ये दिखा दूँ शो ऑल, तो ये मेरे पास पैकेट ट्रेसर 7.2 फॉर विंडोज 64 बिट है। तो ये चीज आपने देख लेनी है कि अगर आपने 64 बिट करना है तो जस्ट जैसे अभी मैंने आपको बताया, इस पे आप चले जाएं और वो 64 बिट वो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 32 बिट है, जैसे इस वक्त ये मैं विंडोज 7 पर हूँ, ये 32 बिट है, तो मैं इसको लिख देता हूँ इस तरह से 32 बिट। तो उसके लिए ये फाइल हॉर्स वाला ये आप ओपन कर लें और इस पे से जाके आप डाउनलोड कर लें, ये फ्री डाउनलोड। और ये इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये 32 बिट वर्जन ये आ गया। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग, क्लिक बटन स्टार्ट डाउनलोड। तो मैं इसको स्टार्ट डाउनलोड करता हूँ, तो ये 32 बिट वर्जन वाला हो रहा है। मैं शोल करता हूँ तो देखिए 7.3 विंडोज 32 बिट के लिए, और ये 7.2 64 बिट के लिए पास करते, तो मैंने ये किया हुआ है। जब आपके पास डाउनलोड हो जाए तो आप इसे ओपन कर लें, जैसे मेरे पास है जी सिस्को में ये 32 बिट। अच्छा, 6.2 अगर ये पुराना वर्जन मेरे पास पड़ा हुआ है, और ये है 146 MB का, ठीक। तो ये तो मेरे पास पड़ा होगा, ये आपको मिल सकता है क्लास में। और ये सिंपल है, लेकिन क्या होगा कि इसमें अगर आपने कोई फाइल बनाई है और किसी ने लेटेस्ट वर्जन में बनाई है, तो वो फिर उसमें चलेगी नहीं। तो मैं, इसकी इंस्टॉलेशन सिंपल है, जस्ट आप डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इसको हम देखते हैं, हरान एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, जो मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है एक्सेप्ट नेक्स्ट, वो भी इसी तरह होगा, ठीक है। क्रिएट अ शॉर्टकट, नेक्स्ट करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, वो भी इंस्टॉलेशन इसी तरह होगी। लेकिन आफ्टर इंस्टॉलेशन जो, जब मैंने इसको विंडोज 10 पे किया, तो ये लॉगिन कुछ मांग रहा है, पहली दफा इस्तेमाल करने के लिए आपसे ईमेल वगैरह ये चीजें मांग रहा होता है। तो अब इसको मैं विंडोज 7 पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो देखता हूँ कि इस पे भी वो चीजें मांगता है या नहीं मांगता, अभी ये चीज भी चेक हो जाएगी। अच्छा, सिस्को पैकेट ट्रेसर क्या है? ये एक सिम्युलेटर है जिसमें आप नेटवर्किंग से रिलेटेड काफी सारे काम सीख सकते हैं, और खसूसन ये सिस्को से रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं उनमें आप इसमें काम कर सकते हैं। और ये सिस्को का बनाया हुआ है, सिस्को पैकेट ट्रेसर के नाम से, ठीक है। जो लोग सिस्को की सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं, सिस्को क्या है? सिस्को एक कंपनी है जो नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाती है, जिसमें राउटर एंड स्विचेस आ रहे हैं। अच्छा, जिसमें कह रहा कि 7.3 डीएल इधर डिजाइन विंडोज आर कैन नॉट एंड्रॉइड इंस्टॉल, ठीक है। अभी मैंने 32 बिट वर्जन इस पे किया था इंस्टॉल, लेकिन ये इसने एरर दे दिया है, तो ये इंस्टॉलेशन इसमें नहीं हो रही। अच्छा, मैं ये दूसरा वर्जन इसका इंस्टॉल कर लेता हूँ, और फिर ये आप, मैं विंडोज 10 पे करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, आई एक्सेप्ट। ये मैंने क्या किया था, जो 32 बिट वर्जन डाउनलोड किया था, ठीक है, उस पे इसने ये एरर दे दी है मेरी इस मशीन पे। तो मैं आपको पहले 6.2 वर्जन पे इंस्टॉल तो आपने कर लिया, डाउनलोड यानी आपने कर लिया, तो अब इसकी इंस्टॉलेशन देख लें, ये बहुत सिंपल है।
और इसको यूज कैसे करते हैं वो जरा हम देख लेते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि सिस्को ये कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, और ये नेटवर्किंग की डिवाइसेस बनाती है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ राउटर और स्विचेस दिखाए थे, वो सिस्को कंपनी के थे। तो इस तरह से और भी टीपी लिंक आपने सुना होगा, कॉम थ्री है शायद, तो और या इसमें जूनिपर है। तो ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिवाइसेस बनाती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने चूंकि सीसीएनपी सर्टिफाइड हूँ, तो मेरा जो प्रैक्टिस है या जो मेरा काम है वो सिस्को पे है। तो वो मैं आपको इसमें सिखाने की कोशिश करूंगा। बड़ा नेम है सिस्को। चलिए, इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होगी। द बैकवर्ड स्किल बेस असेसमेंट टू यूज दिस वर्जन। ओके, इसको ओके करें, फिनिश करें, तो ये लॉन्च हो रहा है। देखिए, ये हमारे पास इसको पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल हो गया। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था लास्ट लेक्चर में कि आपको दो कंप्यूटर चाहिए, उनको आपने आपस में कम्युनिकेशन करवानी है, तो आप उनको कैसे सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले इसका ये दिखा दूं, इसका फाइल और इसके जो है ऑप्शंस व्यू वगैरह, ये आ गया। यहाँ से अपने ही फाइल क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। मसलन आपको कुछ कंप्यूटर चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है, राउटर्स। ये क्या लिखा हुआ है, स्विचेस। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए उस हिसाब से वो स्विचेस आ जाते हैं। अगर मैं राउटर पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास राउटर्स आ गए, ये स्विचेस। ठीक है, इसी तरह ये हब आ गया, ये आपके वायरलेस डिवाइसेस। इसी तरह नीचे आ जाता हूँ तो ये मेरे पास एंड डिवाइसेस। क्लिक करता हूँ तो कौन सी डिवाइस आपको चाहिए वो आ गई, फायरवॉल वगैरह सिक्योरिटी के लिए, ये इसकी होती है सिस्को की, वो आ गई। और अगर आप यहाँ पर ये जो बना हुए ये कनेक्शंस हैं, ठीक है, इसमें मैं डिटेल में इंशाल्लाह बात करूंगा। फिलहाल आप सिर्फ देखें इसको हम यूज कैसे कर लेते हैं। एंड डिवाइसेस अगर आप पे आ जाता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ से कुछ कंप्यूटर्स ले लेता हूँ। ये जस्ट इस कंप्यूटर को क्लिक किया, यहाँ पर आकर उसको दोबारा से ड्रॉप कर दिया। ठीक, ये मेरे पास एक कंप्यूटर आ गया। इसी तरह मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, इस जगह पर आता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास देखिए दो कंप्यूटर्स आ गए। अच्छा, अब मैं इन दो कंप्यूटर्स को आपस में, या तीन कंप्यूटर्स को एक और कंप्यूटर ले लेता हूँ। अब मैं इन तीन कंप्यूटर्स को लेट से आपस में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये मैं इसको इसके ऊपर क्लिक किया, ड्रैग करके मैं इसको यहाँ पर ले आया। अब इनको कनेक्ट करने के लिए मुझे जो अगली चीज चाहिए वो केबल्स चाहिए, और केबल्स मैंने कनेक्ट करने एक स्विच के साथ, तो मुझे एक स्विच चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, स्विचेस। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये इनकी डिफरेंट सीरीज है, 2950, 2950T, 20, इसे हम ऐसे कहते हैं 29, हम अपनी जुबान में 2950, 2960, जेनरिक, ये 3560 है, मल्टी लेयर स्विच होता है। अगर राउटर्स में जाए तो देखिए 1800 सीरीज का राउटर है, इसे 1841 कहते हैं, और कहते हैं ये 1800 सीरीज के। इसी तरह ये 2600 सीरीज के दो राउटर, 2620 है, 2621 है। अच्छा, 2800 सीरीज के अगर आप देखें, 2811, ये राउटर्स। ये मैं आपको जब पहुंचूंगा, अभी हम फिलहाल एक स्विच ले लेते हैं यहाँ से, 2950 ये लिया, क्लिक किया। अब इसके साथ मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ। कैसे कनेक्ट करूंगा, मुझे वायर्स चाहिए, तो ये मेरे पास वायर्स मौजूद है। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या कह रहा है, मैं जब इसके ऊपर ले, आपने यहाँ पर देखना है ये क्या लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर लेकर आता हूँ तो लिखा हुआ ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन, यहाँ पर आता हूँ तो कंसोल, यहाँ पर आता हूँ तो कॉपर स्टेट, यहाँ पर आता तो क्रॉस। ये जब मैं केबलिंग आपको समझाऊंगा तो उसमें डिटेल में जाऊंगा। फिलहाल जस्ट मैं आपको बिल्ड करना दिखा रहा हूँ कि इसमें सिस्को पैकेट ट्रेसर में एक चीज कितनी आसान है। तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप पे। तो ये क्या करेगा, ये खुद से एक कनेक्शन चूज कर लेगा अपनी मर्जी से। हम स्टेट, चूंकि अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ स्टेट केबल क्या है, क्रॉस केबल क्या है, तो मैं यहाँ पर आके इसको जस्ट क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये इसने ऐसे, मैं अब माउस घुमा रहा हूँ तो ये साथ घुमा घूम रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ इस पीसी के ऊपर, और यहाँ पे आके क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए इसकी लाइट यहाँ पर ग्रीन है और ये अभी ऑरेंज या एम्बर है। दोबारा से आता हूँ, एक और कनेक्शन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आकर क्लिक करूँ तो ये इसके साथ भी कनेक्टिविटी होगी। फिर एक और ले लेता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास तीनों पीसी आपस में कनेक्ट हो गए। अब इनकी कनेक्टिविटी के बाद आप देखिएगा यहाँ पर ये लाइट्स भी मतलब एम्बर हैं, प्रॉपर
प्रॉपर ग्रीन नहीं हुई, जैसे इस साइड से ग्रीन थी, अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये बिल्कुल रियल सिनेरियो में जैसे काम कर रहा था, अब स्विच के साथ लगाए तो थोड़ा टाइम लेकर उसको ग्रीन करता है, सेम ये काम यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक, तो ये हमारी देखिए दो पीसी आपस में कनेक्ट हो गई थी सभी, तो अब ये हमारी कम्युनिकेशन मुकम्मल होगी। लेकिन चूंकि अभी हमने आगे कुछ मजीद चीजें भी आईपी एड्रेस वगैरह नहीं पढ़ा हुआ, वो जब आपको बताऊंगा तो हम इसको देख सकते हैं। अब इसमें बड़ी अच्छी चीज ये है कि आप इस कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं, कैनट लॉन्च पीसी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बिकम इफेक्टिव डेट्स ऑफ इट सर्टिफिकेट और इनवैलिड प्लीज कॉन्टेक्ट अस मॉड्यूल आता। ठीक है, अब मुझे देखने दें यहाँ पर क्या डिलीट दिखा रहा है मेरा सिस्टम फाइल। ठीक है, चाहे वो डेट इसको मुमकिन है मैं रिस्टार्ट करूँ सिस्टम को तो ये चल पड़े, तो इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ये जो टोपोलॉजी मैंने बनाई, इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये एक टोपोलॉजी है। ठीक, अच्छा जी, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कोई भी नाम दे देता हूँ माई, मसलन मैं इसको नेम देता हूँ माई फर्स्ट टोपोलॉजी। ठीक है, और इसको इसका जो पीकेटी होता है, पीकेटी होता है सॉरी, इसकी जो एक्सटेंशन होती है उसे पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी फाइल इसको कहा जाता है, पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी फाइल। तो मैं इसको लग से ये डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन थी या जो मैंने इसमें किया होगा वो सेव हो जाएगा। इसको क्लोज करता हूँ, यस किया, तो ये मेरे पास ये माय फर्स्ट टॉप के नाम से सेव है। मैं इसको दोबारा डबल क्लिक करूंगा, दोबारा अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास इजीली ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी टोपोलॉजी जो बनाई थी ये ओपन हो गई, क्लोज करता हूँ। तो इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं, डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो पुराना वर्जन था, अब लेटेस्ट वर्जन पे आता हूँ, इसको मैं स्टॉप रिकॉर्ड जी, अब स्टार्ट करते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर का लेटेस्ट वर्जन कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सिस्को पैकेट ट्रेसर आप लिखें फ्री डाउनलोड या लेटेस्ट वर्जन, ये भी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था कि कैसे आपने इसको करना है डाउनलोड, लेकिन ये दोबारा देख लें। जैसे फाइल फॉर्स मैं इस पे आता हूँ, 64 बिट्स, लेकिन ये डाउनलोड्स 7.3, इस पे आ जाए आप और यहाँ से आप जस्ट इसको डाउनलोड क्लिक करें तो ये लेटेस्ट वर्जन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये डाउनलोड कर लिया था हमने, अब ये देखिए ये स्टार्ट हो गया यहाँ से। मैं इसको क्लोज करता हूँ और अच्छा जी, ये पैकेट ट्रेसर आ गया, राइट क्लिक करता हूँ इसको, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जो हमने डाउनलोड किया हुआ था। करते हैं इसको, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, क्रिएट डेस्कटॉप ऑप्शन नेक्स्ट वन। तो ये उसी तरह नेक्स्ट एक्सेस आपने सिंपल करना है, तो ये कुछ देर लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये कंप्लीट होने के बाद आप इसे लॉन्च चूंकि टिक है तो ये लॉन्च हो जाएगा, फिनिश करता हूँ तो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पे इसका आइकन भी बन गया सिस्को पैकेट ट्रेसर का। फर्स्ट टाइम तो उसे टाइम ले रहे हैं और कॉपीराइट सिस्को 2020 अकेडमी इनोवेशन एंड पावर ऑफ नेटवर्किंग सिमुलेशन टूल्स यूज्ड फॉर प्रैक्टिस
डिस्कवरी एंड ट्रबल शूटिंग। तो ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए इन्होंने बनाया हुआ है सिस्को ने। किया गया जी आपके पास टेस्ट। अच्छा, सम टाइम भी इसमें लॉगिन वगैरह अगर मांगे तो आप अपना कोई ईमेल दे दें। ये देखिए जी, इसके एंड टूल्स हैं। मैं यहाँ से डिवाइसेस जैसे पहले ली थी, मैं कोई पीसी ले लेता हूँ, यहाँ पर लैपटॉप ले लेता हूँ, ठीक, पीसी, तीन डिवाइसेस ले लेता हूँ। अपना नेटवर्क डिवाइसेस में आता हूँ, यहाँ से मैं स्विचेस को सेलेक्ट करता हूँ, 1050 का एक स्विच ले लेता हूँ, ऑटोमेटिक पे आता हूँ, और यहाँ से मैं वो कनेक्शन ले लेता हूँ। ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये इसका लेटेस्ट वर्जन में थोड़े बहुत सिंबल्स और ग्राफिक्स थोड़े से इसमें चेंज है। तो अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ किसी एक कंप्यूटर पे, तो ये उस पीसी का खुल जाता है। यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन उसके दे सकते हैं। डेस्कटॉप पे जाए तो यहाँ पे हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन इसमें देख सकते हैं। स्टैटिक आईपी में जस्ट आपको समझाने के लिए फिलहाल दे रहा हूँ, 1.1.1.1 टैब प्रेस कर देता हूँ ताकि मैं आपको सिर्फ समझा दूँ कनेक्टिविटी कैसी। ये आईपी एड्रेसेस में आपको प्रॉपर समझाऊंगा। तो मैंने इसको जो पीसी वन को दिया 1.1.1.1, इसका आईपी दिया, ये क्या होती है आप डिटेल में पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। जस्ट आपको दिखा दूं, इस पे आया डेस्कटॉप, इसको आईपी एड्रेस दे दिया 1.1.1, इसको 2 दे दिया, लास्ट पे चेंज कर दिया। अब इसको चेक करने का तरीका कार होता है कि लैपटॉप है, इसको ओपन किया, इसके भी डेस्कटॉप पे आए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 1.1.1.3 कर दिया। तो ये तीनों पे मैंने आईपी एड्रेस दे दिए। अब मैंने इनकी जो कम्युनिकेशन है वो चेक करने का तरीका कार क्या होता है कि मैं इस आईपी से इस आईपी को पिंग करूँ, या हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये समझा रहा हूँ ये कैसे कनेक्टिविटी चेक करते हैं। लेट्स से मैं पीसी वन पे हूँ, तो मैं इसका ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमांड होती है टेस्ट करने के लिए पिंग आईपी एड्रेस, उसके बाद देखते हैं इसका अपना आईपी एड्रेस जो था वो 1.1.1.1 था, इसका अपना आईपी एड्रेस। तो देखिए उसको रिप्लाई मिल रहा है, लेकिन हमने चेक करना है कि क्या इस पीसी से इस पीसी तक कनेक्टिविटी ठीक है। ये ग्रीन तो इसने दे दिया, तो मैं दोबारा लिखता हूँ पिंग 1.1.1.2। अब 2 आईपी एड्रेस इसका है, हम इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे मुझे रिप्लाई आ रहा है, इट मीन्स कि हमारी कनेक्टिविटी सक्सेसफुल होगी। इसी तरह मैं 3 को भी चेक कर लेता हूँ, तो ये हमारी 100% कम्युनिकेशन हो रही है। और यही चीज आप जब रियल सिनेरियो में करते तो अपना अगर 3 कंप्यूटर आप इसी तरह देते, वहां पे आईपी एड्रेस सेट करते, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाते, सीएमडी लिखते इस तरह से, और यहाँ पर आपके जाके जो आपका अपना आईपी एड्रेस होता है वो लिखते पिंग करके। अब मेरे यहाँ पे 192.168.1.1 मेरे राउटर का आईपी एड्रेस है, तो मेरी कम्युनिकेशन हो रही है। सेम वही चीज आपको एक सिमुलेशन फॉर्म में मिल जाती है जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखें यही चीजें, आपको कितने कंप्यूटर चाहिए, 3 आपको कंप्यूटर चाहिए, केबल चाहिए, स्विच चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको वो सारी चीज आपने सिमुलेशन में वो कर ली, और कम्युनिकेशन वो जो कमांड रियल सिनेरियो में थी वो आपने यहाँ पे परफॉर्म कर ली। तो उम्मीद है कि आपको ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना आ गया है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं इंस्टॉलेशन में, चूंकि ये इंस्टॉलेशन होगी तो फिर हम आगे लैब वर्क आसानी से कर सकेंगे। इसकी जो आपकी फाइल है उसको आप सेव कर लें इसी तरह से, टोपोलॉजी जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं, सिंपल आपको मैं इसको लैन का नाम देते हैं नेट से, और इसे डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया, और ये आपकी पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी फाइल जो है वो सेव हो जाती है। आप उसको इस तरह से लेन डॉट पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी वाले पी के टी इसकी एक्सटेंशन होती है।